For more news and updates, visit our website realitymedia.in. And for more videos, subscribe our YouTube channel Reality Media. DDA आवासीय योजना में लोगों को नहीं है दिलचस्पी। DDA आवासीय योजना की अंतिम तारीख भले ही करीब आ गई है, लेकिन LIG फ्लैट्स के लिए अभी भी आवेदन नहीं आ रहे हैं। इस वजह से आवासीय योजना DDA के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आवेदन में अभी तक 3 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक फ्लैटों की संख्या के आधे फॉर्म भी लोगों ने जमा नहीं करवाए हैं। बिल्डरों की ओर से बेल आउट पैकेज की मांग को सरकार ने ठुकराया। आर्थिक संकट से जूझ रहे बिल्डरों को उत्तर प्रदेश सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं देगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों की ओर से बेल आउट पैकेज की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया है। हालांकि सरकार बिल्डरों को उभारने के लिए कई दूसरी मदद देने के लिए तैयार हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 253 आवासीय योजना है। इनमें से अधिकांश का निर्माण कार्य बंद पड़ा है। इससे फ्लैटों के खरीदार परेशान हैं। वे घरों की मांग को लेकर रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेनकाब हुआ नगर निगम का चेहरा। अंबाला में 30 फाइलों के साथ नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी जीवन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में नगर निगम कमिश्नर की शिकायत पर रात करीब 10 बजे मामला दर्ज किया। इस कर्मचारी के पास बेहद गोपनीय फाइलें बरामद होने से नगर निगम की व्यवस्था की दूसरी बार पोल खुली है। प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर निगम की कार्रवाई। प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ नगर निगम की टीम ने सख्त कार्रवाई की है। नोटिस भेजने के बाद भी दोनों मकान मालिकों ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने दोनों घरों के सीवेज कनेक्शन काट दिए हैं। नगर निगम के XEN गोपाल कलावत ने बताया कि सेक्टर 39 में हाउस नंबर 446 पर 5,99,475 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। प्रॉपर्टी को यूपिन अलॉट करेगा निगम। यूपिन मिलने से जहां नगर निगम के पास शहर की हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा, वहीं इससे आम लोगों को भी घर बैठे प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की सुविधा मिल जाएगी। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरवाने के लिए नगर निगम निजी कंपनी से सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में यूपिन के जरिए ऑनलाइन टैक्स भरा जा सकता है। उनका मानना है कि ऑनलाइन सिस्टम से एक ही क्लिक पर सभी डिफॉल्टरों की सूची सामने आ जाएगी और उन्हें रिकवरी करना आसान हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।